शाहरुख खान की 2023 में सबसे ब्लॉकबस्टर बस्टर मूवी आई, जैसा कि पहले पठान से शुरुआत की 1050 करोड़ रुपए छापा, जवान से शुरुआत की इटली कुमार के डायरेक्टिंग में बनी हुई जिसने 1130 करोड़ रुपए कमाकर एक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। इसके बाद देसी 2024 नजदीक आए दिसंबर के महीने में डंकी मूवी कर डाली और इस मूवी से शाहरुख खान का करियर थोड़ा डाउन में चला गया क्योंकि इस मूवी के साथ खड़ी हुई थी सलार मूवी। लेकिन इस बार शाहरुख खान जीरो वाली गलती नहीं करना चाहते थे, इसीलिए 2024 में एक भी मूवी शाहरुख खान की हमें देखने को नहीं मिली। वैसे इंतजार हम सभी को था, लेकिन 2025 जैसे ही लॉन्च होगा इनकी एक मूवी आने वाली जिसका नाम है किंग, जिसमें सुहाना खान इनकी बेटी भी होने वाली हैं। और सुहाना खान की इससे पहले एक वेब सीरीज लॉन्च की थी जिसका नाम था द आर्टिस्ट, जो कि मुझे इस वेब सीरीज को देखने के बाद उल्टी आने लगी थी, इतना घटिया वेब सीरीज थी। लेकिन शाहरुख खान अपने बेटे का करियर बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और शाहरुख खान अकेले मेन लीड में नहीं होने वाले, इसमें शाहरुख खान भी होने वाले हैं, अभिषेक बच्चन होने वाले हैं, वही जो धूम 4 में काम किया, धूम 1 में काम किया, वही अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन भैया इस मूवी में होने वाले हैं। और एक और होने वाला है जो विलन है या फिर हीरो ये तो नहीं पता, अभय वर्मा भी इस मूवी में होने वाले हैं। और इस मूवी के डायरेक्टर छोटे मोटे नहीं, इस मूवी के डायरेक्टर है सोजे घोष, जिन्होंने कई सारी ब्लॉकबस्टर मूवी दी है। इनके डायरेक्टर में ये जो मूवी बन रही है तो कितनी ज्यादा सुपर डुपर हिट होगी। अगर इस मूवी के बजट की बात करें तो 230 करोड़ रुपए बजट है, जिसमें से 100 करोड़ रुपए शाहरुख खान ने लिया है, बाकी 30 करोड़ रुपए में मूवी बनेगी जिसका बीएफएक्ट भी नेक्स्ट लेवल का हो रहा है। इसके अब तक 2-4 पोस्टर ही अपलोड हुए हैं, लेकिन जिस तरह से पोस्टर दिखाई दे रहा है भाई सब खतरनाक पोस्टर है। देखो अभी तक इस मूवी का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि 2025 में आएगी या 26 में आएगी, लेकिन लोगों का मानना है 2026 तक आएगी। लेकिन मुझे लगता है ये मूवी बहुत जल्द 2025 में आने वाली है क्योंकि इस मूवी का जब पोस्टर अपलोड हो चुका है टीजर भी जल्दी आने वाला है, तो भाई साहब 2025 में ही आएगी। वैसे आप इस मूवी के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर बताना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।